नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है न्यूज़ जेट पर। आज हम आए हैं हापोली सर्किट हाउस। यहाँ पे आज हो रहा है 8th एडिशन जीरो बटरफ्लाई मीट्स। यहाँ में काफ़ी सारे डिग्नेटरीज आए हुए हैं, जैसे कि DTO आया है, DFO आया है और NGOs भी आया है। आया का प्रेसिडेंट भी यहाँ पे आया हुआ है। चलिए जानते हैं कि अंदर क्या हो रहा है और ये व्हाट इज़ द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस मीट्स। थैंक यू। ये कब से शुरू किया? ये 8th एडिशन हो गया तो सर कब से शुरू हुआ? ये 2014 से जीरो बटरफ्लाई मीट शुरू हुआ है। अच्छा अच्छा सर, इसका मेन ऑब्जेक्टिव जो क्या है सर? ऑब्जेक्टिव ये कंजर्वेशन है। अच्छा सर, बटरफ्लाई जो है हमारा यहाँ बायोडाइवर्सिटी का मोस्ट सेंसिटिव इंडिकेटर माना जाता है। अच्छा सर, तो बटरफ्लाई बहुत कोई एक जगह में बहुत ज़्यादा है, मतलब ये कि फोर फोरा जानवर वो बहुत अच्छा है, बहुत ज़्यादा है और बायोडाइवर्सिटी अच्छा है। और बटरफ्लाई कम हो गया मतलब इन्वायरमेंट जो है डिग्रेड हो गया, ऐसा इंडिकेट करता है। तो इसलिए हम लोग बटरफ्लाई को कंजर्व अगर करता है तो बाकी सब का भी कंजर्वेशन हो जाता है। तो मेन ऑब्जेक्टिव है कंजर्वेशन ऑफ द इन्वायरमेंट। सर, इस बार आप कहाँ ले जा रहे हैं? इस बार हम लोग तले वैली जा रहे हैं। अच्छा सर, पहले हम लोग पांगे तक पहुंचते थे और जीरो का आसपास में करते थे। एक बार तो यजाली में किया था, लेकिन इस बार जो है हम लोग तले वैली में पहले बार जा रहे हैं। अच्छा, और सर यहाँ पे एक्सपर्ट उधर बाहर से आया है क्या? एक्सपर्ट दो लोग आए हैं, एक आसाम से जो वो नोटिस में जो बटरफ्लाई को ऊपर PhD करने वाला मॉनसून ज्योति गोगोई आया है। हाँ, और सिक्किम से नवांगला भूतिया आया है। ओके, चले आइए हम बात करते हैं जीरो के DFO सर से कि आज के बटरफ्लाई मीट्स 8th एडिशन बटरफ्लाई मीट्स के बारे में। तो सर, आज का ये बटरफ्लाई मीट्स के बारे में ये क्या कहना चाहिए सर? ये 8th बटरफ्लाई मीट हो रहा है जीरो में, जो कि बहुत ही एक अच्छा ट्रेडिशन है जिसको कंटिन्यू किया गया है। वोनू जीरो जो यहाँ का NGO है उनकी शुरुआत थी और हमारा हमेशा सपोर्ट रहा है डिपार्टमेंट एनवायरनमेंट फॉरेस्ट का इनके साथ में। और आज भी हम यहाँ शुरू करके हमारी टीम फांगे जाएगी आज। और इस साल खास ये है कि हम लोग इस बार ताले वैली भी जा रहे हैं। बटरफ्लाई मीट जो है आज तक अभी ताले वैली में हुई नहीं है, तो हमने उम्मीद है कि कई नई स्पीशीज वहाँ पर हम खोजेंगे, कुछ नया जानने को मिलेगा। चलिए आइए बात करते हैं जो बाहर से एक्सपर्टिस आए हुए हैं जो 8th एडिशन जीरो बटरफ्लाई मीट्स में। ये एक आए हैं मॉनसून सर, जो कि सीनियर साइंटिस्ट है BNHS सर ने, उसी का साइंटिस्ट है जो PhD कर चुका है ये बटरफ्लाई ये फील्ड में। तो आइए चलिए जानते हैं कि सर ये बटरफ्लाई ये इम्पोर्टेंस को थोड़ा सा हम लोग हमारे लोगों को थोड़ा सा बता दीजिएगा सर। हाँ, एक्चुअली टिटली है जो ये एक्चुअली हम लोग का मतलब ह्यूमन सर्वाइवल के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आप देखिए सबसे इम्पोर्टेंट ये आप होनी भी तो पता है पोलिनेटर है, लेकिन होनी भी एक सीजन में मिलता है। आप तितली देखेंगे हर सीजन में मिलता है, और पोलिनेशन नहीं होगा तो मतलब सीड कैसे होगा? सीड नहीं होने से आदमी जिंदा कैसे रहेगा? सो फल फूल जंगल में तो सब करो, ये तितली होनी भी सब पोलिनेट करता है। पोलिनेशन दुनिया में ख़त्म हो जाएगा तो आदमी भी खत्म हो जाएगा। बहुत सारा इम्पोर्टेंट है एक्चुअली, ये सिर्फ एक बोला मैंने। जैसे आपका आप लोग देखा होगा, जैसे जितना भी बड़ा बड़ा टाउनशिप्स रिफाइनरीज उसमें बटरफ्लाई पार्क्स गार्डन सुना होगा ना सिटीज में या जूस में, क्योंकि वो सब में बटरफ्लाई पार्क इसलिए बनाता है क्योंकि ये बटरफ्लाई बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट पोल्यूशन मैंने इंडिकेटर है। आप पोल्यूशन को कैसे मेजर करेंगे आप? मतलब आदमी कितना पोल्यूशन इनहेल कर सकता है ना, तो वो बटरफ्लाई आपको इंडिकेट करेगा, क्योंकि बटरफ्लाई डायनासोर का पुराना एज का ग्रुप है। ओके, थोड़ा कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ने से तितली मर जाता है। ओके ओके,
तो इसलिए अगर टिटली मर रहा है उसके सबसे वो जो सिटी टाउन में प्लांटेशन करना पड़ेगा। हाँ, तो ये इसलिए बटरफ्लाई इम्पोर्टेंट है। और एडिशनली आपका आप देखिए एग्जांपल यहाँ पे कुछ चेंज हो रहा है। अच्छा, लोग बोला मतलब एग्जांपल हाँ, हाँ मैं बोला हाँ, पहले बोलो बहुत बटरफ्लाई मिलता आजकल नहीं मिलता है। हाँ, तो मतलब उसका मतलब ये जगह ठीक मतलब खराब हो रहा है। मतलब एक जगह अगर खराब हो रहा है, एक जंगल खराब हो रहा है, सबसे पहले बटरफ्लाई बताएगा आपको। अच्छा, उसका प्रेजेंस एब्सेंस से बताएगा। और है प्लस ये जो अभी क्लाइमेट चेंज का जो है पहले से गर्म बढ़ रहा है इसलिए मतलब तितली भी बहुत कम हो रहा है ना, तो वो भी एक है। तो वो बटरफ्लाई इसलिए बहुत इम्पोर्टेंट है। मैं सिर्फ बेसिक्स बताया आपको, मतलब बहुत इम्पोर्टेंट है बटरफ्लाई एक्चुअली। और हम लोग का जो नॉर्थ ईस्ट इंडिया है वो मतलब आफ्टर जो मलाय पेनिनसुला बोल के है मतलब वन ऑफ द हॉटस्पॉट है बटरफ्लाई के लिए। तो यहाँ पे भूटान गोरी मिलता है, केसरहीन मिल के बहुत सारा रेयर तितलियाँ मिलता है, इसलिए वो टूरिज्म के लिए वो नाहंगला बताएगा बहुत इम्पोर्टेंट है मतलब टूरिज्म के एंगल से भी। तो ठीक है इतना ही बताता हूँ मैं। हाँ, तो नाउ बताएगा बाद में। हाँ, सर जैसे कि आपने फर्स्ट एडिशन से यहाँ रहा है हाँ, ना तो काफ़ी मैंने सुना कि काफ़ी नया स्पीसीज भी डिस्कवर यहाँ किया गया है। हाँ, फिर टिल डेट अभी कितना स्पीसीज हम लोग को यहाँ पे नया डिस्कवर करने को मिला है जीरो पे सर? हर बार कुछ नया मिलता है। अच्छा अच्छा, लास्ट ईयर एक टिटली मिला था, इंडिया के लिए नया रिकॉर्ड है। अच्छा अच्छा, वो चाइना में मिलता है, इंडिया में मिलता ही नहीं है। ओके, तो लास्ट ईयर आया, उसका दो साल पहले तो मैं नहीं आया। हाँ, हाँ, तो उसका मुझे पता नहीं है। तो जैसे 2017-16 में आया था, उसके बाद मैं दो साल नहीं आया था। तो मतलब मेरा पीएचडी का थोड़ा वो थेसिस का काम चल रहा था। तो वो 16-17 का उसमें हम लोगों ने वो आपातानी ग्लोरी डिस्कवर किया। अच्छा अच्छा, तो उसके पहले भी एक उसका एक साल पहले हम लोगों ने एक तितली मिला था, उसका कोई लाइव फोटोग्राफ नहीं था। 120 साल के बाद रीडिस्कवरी हुआ था जाइंट होपर, मुझे वो नांगला हम लोगों ने देखा। तो मतलब हर साल में नया नया कुछ मिलता है। अच्छा अच्छा, तो इस बार भी हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं नया कुछ मिले। ओके, तो जीरो का नाम हो तो वही साथे है सर ना, जो कि ऑलिम का बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी ये बटरफ्लाई लॉन्गेस्ट होल्ड ना सर, और लिफ्टिंग के थ्रू पे ये वर्ल्ड रिकॉर्ड वो है जो सिक्किम से आया है। जो उसी हम जानते हैं कि ये जीरो में ये बटरफ्लाई का थ्रू हम लोग किस तरह टूरिस्ट को प्रमोट कर सकते हैं सर? व्हाट वी कैन डू इट लाइक वी नीड मोस्ट वी हैव टू फर्स्ट ट्रेन टू द यहाँ का जितना भी यूथ लोग हो उसमें बटरफ्लाई को गाइड के लिए ट्रेन करना चाहिए। और उसके बाद हम लोग और पूरा टूर ऑपरेटर एक अच्छी तरह से मेंटेन करना पड़ेगा यहाँ से, जितना भी ये लोकेशन कहाँ कहाँ पर है ये सब हमको हम लोग पहले वो करना है, आइटिनरी पूरा बनाना है, और सोशल मीडिया थ्रू वी कैन मेक अ एडवर्टाइजमेंट इन द बटरफ्लाई टूरिज्म। अच्छा अच्छा,